हेलो एवरीवन, तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी XAV65 मॉडल यानी XAV65, जो कि एक डबल डीन कार म्यूज़िक प्लेयर है। और आज हम इसके बारे में जानेंगे, थोड़े से इसके फीचर्स और ये क्या सपोर्ट करता है, क्या पावर आउटपुट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है XAV65 का लोगो, यहाँ सोनी की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ 55X4 जो कि इसकी स्पीकर्स की वोल्टेज या आउटपुट देता है, और यहाँ पे साथ साथ ही डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें यहाँ डीवीडी इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है, एक डीवीडी इन और आउट का यहाँ बटन दिया गया है। यहाँ पे होम डिस्प्ले है, ये वॉल्यूम रॉकर है हमारा, और यहाँ एक पेन ड्राइव का ऑप्शन नीचे की तरफ, यहाँ देखे तो एक ऑक्स का ऑप्शन है। तो चलिए अब इसको करते हैं स्टार्ट, और ये मैंने लगाई की, और यहाँ लाइट आने के बाद कुछ ऐसा सोनी की ब्रांडिंग यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ आ रहा है डू नॉट वॉच एंड ऑपरेट द यूनिट वाइल ड्राइविंग, फॉलो योर लोकल ट्रैफिक लॉज एंड रेगुलेशंस, इफ़ यू एग्री विद दिस मैसेज प्रेस ओके बटन ऑन द स्क्रीन। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया में जा रहे हैं तो आपको स्टीरियो को ऑपरेट नहीं करना है, जो कि बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ओके दबाकर, फिलहाल मैं कहीं इस टाइम खड़ा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आता है ट्यूनर का ऑप्शन, आईपॉड, यूएसबी डिस्क जो कि हमारी सीडी है, ये रियर कैमरा का ऑप्शन, इसके बाद आता है ऑक्स और सेटिंग। तो चलिए इसकी अभी सेटिंग से शुरू करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ देखिए कॉर्नर में, तो ये मांगता है आइकन व्यू जो कि अभी मैंने आपको इधर उधर करके दिखाया था, और ये ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू करने के बाद हम जाएंगे बैक, तो सारा ऑप्शन आपका यहीं पर आ गया, जो कि सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर टाइम आ रहा है अभी 12:35 हो रहे हैं, यहाँ पे अभी आई थिंक पेन ड्राइव कनेक्टेड नहीं है, तो चलिए यू अभी सेटिंग को चूज़ करते हैं। सेटिंग में हमारे को मिल जाती है लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे ऑप्शन सेटिंग का है, यहाँ पे लैंग्वेजेस आ जाएंगी, तो इंग्लिश है और ये एस्पेनॉल एंड थर्ड वन आई डोंट नो। तो टाइम फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे, टाइम फॉर्मेट की बात करें तो 24 आवर्स और 12 आवर्स, मोस्टली इंडियन 24 आवर्स यूज़ आजकल करने लगे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। क्लॉक टाइम ऑन और ऑफ, तो वो टाइम फॉर्मेट आपको सेट करने के बाद जब आप इस क्लॉक एडजस्ट को करना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ऑफ करना है, देन आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद सपोज कीजिए अभी 12:36 है, मैं इसको 37 करता हूँ, देन क्लॉक टाइम ऑन, देन ये हो जाएगा क्लॉक एडजस्ट। नेक्स्ट वन आएगा हमारा यहाँ पे बीप, तो बीप का ऑप्शन ये है, अगर आप इसको ऑन करते हो देन ये टी 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 शुरू कर देगा, बट अगर आप कोई एम्पलीफायर इसके अंदर यूज़ करते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बीप को बंद ही रखें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आपकी आवाज़ ज़्यादा होती है तो वो बीप भी उसी के हिसाब से आपको ज़्यादा देगा, जो कि आपको कानों में बहुत ज़्यादा चुभेगी। तो अभी इसको यहाँ से करते हैं बंद, और नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा डीमर। तो डीमर का मतलब ये है, जब आप अपनी लाइट्स ऑन करते हो गाड़ी की रात के टाइम, तो अंदर का जो स्टीरियो का लेवल है वो डिम हो जाता है। ये ऑटोमेटिक का मतलब ये है, इसके अंदर एक बैक साइड में एक वायर दी गई है ग्रीन कलर की, जो आप सबके स्टीरियो में होगी, स्पेशली इस वाले मॉडल में ग्रीन है, औरों का मुझको अभी नहीं आइडिया है। तो वो ग्रीन वाली वायर जो है आपकी हेडलाइट्स की पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट होगी जब आप यहाँ से स्विच ऑन करोगे। सपोज कीजिए अभी आपने लाइट ऑन करी तो ये ऑटोमेटिक डिम हो चुका है, कुछ फर्क दिख रहा है, देखिए ये हल्का हल्का डिम हो जाता है। आप चाहें इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन, अभी जैसे ऑन कर दो तो ये डिम हो जाएगा, ऑफ कर दो तो ये वैसे ही कलर हो जाएगा नॉर्मल डे लाइट वाला। ऑटो में आपको यही रहता है, अगर आप रात को कोई ड्राइव कर रहे हैं देन आपने हेडलाइट्स ऑन करी, तो हेडलाइट ऑन करने के बाद आपका ये स्टीरियो ऑटोमेटिक डिम हो जाएगा, जिससे आपको ड्राइविंग करते हुए आसानी रहेगी, ये आंखों को नहीं चुभेगा। नेक्स्ट लेवल डिमर लेवल आ जाता है, एडजस्ट, एडजस्ट भी आप कर सकते हो कलर्स के मुताबिक, बट इसको मत छेड़ना, ये दोबारा रीसेट नहीं हो सकता। तो अभी टच पैनल एडजस्ट की बात करते हैं, तो इसको एडजस्ट करते चलिए, 1 2 3, मेरे हाथों में अभी पसीना आ रहा है, तो टच वैसे इसकी बहुत स्मूथ है, नॉर्मली मैं इसको लेफ्ट हैंड से यूज करता हूँ। कंप्लीट अदर कलर सिस्टम, आउटपुट कलर सिस्टम, तो ये PAL एंड NTSC, NTSC कर दो, मैंने PAL पे चलाया, अब NTSC कर दो,
ठीक रहेगा। नेक्स्ट कैमरा इनपुट, ये नॉर्मल है और रिवर्स है। सो अब इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अगर आपने कैमरा अपना बैक साइड लगाया है तो आप नॉर्मल लगाइए, और अगर आपने कैमरा वो आपकी गाड़ी के फ्रंट में लगाया तो आप इसको रिवर्स करिए। क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाएं एक पेन और पेपर लेके, देन जो उसके पिक्सल्स है राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, तो कुछ ऐसा इसके अंदर एडजस्ट करने को मिल सकता है। तो ऑप्शन ठीक है, अभी नॉर्मल करा हुआ है। स्टीयरिंग कंट्रोल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूज़र भी कर सकते हो, यूज़र डिफाइंड में जाकर आपको ये सब सेट करना पड़ेगा, बट मेरे पास अभी ऑल्टो है सो इसके अंदर तो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स का ऑप्शन नहीं है। तो इसको करते हैं अभी साइड में, यहाँ तो सेटिंग हो गई। देन अब आती है इसी सेटिंग के अंदर यहाँ नीचे से म्यूजिक का ऑप्शन, रियर सब आउट। तो सब का मतलब ये है, रियर का मतलब जैसे रियर हमने रियर अगर करा तो यहाँ पे चलेंगे हमारे स्पीकर्स, सब वूफर करेंगे तो सब वूफर चलेगा। अभी मैंने इसके अंदर 4 चैनल का 1004 मॉडल एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि स्पीकर्स के अंदर हाई लेवल इनपुट पे है और वूफर के अंदर सब वूफर वाले मोड पे है। अगर मैं इसको भी रियर कर देता हूँ तो मेरे सब वूफर के अंदर गाने बजेंगे ना कि बेस, तो सब वूफर पे रहने देता हूँ। साउंड एडजस्ट, सब वूफर का लेवल +10 पे करा हुआ है, यहाँ पे बैलेंस 0, यानी आप सेंटर अपना कर सकते हैं फेडर फ्रंट और बैक। अभी मैंने फ्रंट में 8 करा हुआ है बिकॉज छोटे स्पीकर है उनको आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। HPF मैंने ऑन करा हुआ है, हाई पास फिल्टर एंड LPF लो पास फिल्टर, एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, प्लेयर में सॉन्ग्स चलते चलते भी हो जाएगा। डेमो ऑन ऑफ, सपोज करिए अब ये ऑन पे कर दिया मैंने, ठीक है, तो ऑन करने के बाद मैं चला जाता हूँ बैक। अभी यहाँ गाना चल रहा है तो कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे कॉपीराइट का भी इश्यू ना आए। थिंक सो इसके अंदर वो सॉन्ग्स पड़े होंगे, लेट्स देखें। अभी आपने लगा के छोड़ दिया, वैसे एक मिनट आपको बेस ना पूरी सुनेगी इसमें, तो मैं इसको कर देता हूँ 2-1 पे। अभी ऐसे छोड़ दिया, कुछ देर बाद यहाँ डेमो आ जाएगा। देखो 55 वॉट X4, ये स्टनिंग WVGA डिस्प्ले, तो ये सब है, इसको जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से जाएंगे होम बटन, अगेन सेटिंग, और यहाँ डेमो, डेमो को करेंगे ऑफ। ये CD की सेटिंग आ गई, CD की सेटिंग तब खुलेगी जब आप यहाँ CD डालोगे। आई थिंक सभी USB देखते हैं यार, अब CD कौन यूज़ करता है। और एक चीज़ और, जितने भी नए अपग्रेडेड मॉडल्स हैं जिनके अंदर उनका फर्मवेयर अपडेट हो चुका है, तो उसके अंदर भी CD नहीं आ रही। कोई कोई मॉडल होगा जिसके अंदर CD है, बट आई थिंक USB में सबका काम चल जाता है। अच्छा, वीडियो की बात करी जाए तो XAV65 को ये सपोर्ट करता है, MP4 AV3 कोडेक्स को ये सपोर्ट करता है, बट मैंने आज तक जितनी इसके अंदर वीडियोस चलाई है मेरी तो कोई भी नहीं चली। तो वीडियो वाला ऑप्शन करते हैं साइड में, ऑक्स का ऑप्शन आता है, रियर करते हैं तो इसमें रियर ऑक्स का भी ऑप्शन है जिस पे मैंने अभी ब्लूटूथ अपना कनेक्ट किया हुआ है। फ्रंट करते हैं तो फ्रंट में आपको यहाँ वाली ऑक्स यूज़ करनी है, तब आपका चल सकता है। रियर पे करेंगे, रियर पे करने के बाद यहाँ इसकी अबाउट में आएंगे, तो अबाउट में इनपुट लेवल हम थोड़ा सा इसको प्लस में, पिक्चर क्वालिटी डायनामिक सिलेक्ट नहीं हो सकती, एक्सपेक्ट रेशियो फुल है नहीं, और नहीं यार इसमें भी कुछ मज़े वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक ही आ रहा है ये भी। चलो छोड़ो, इसको साइड करते हैं। अब इसको करेंगे हम यहाँ से बैक, बैक करने के बाद रियर कैमरा, नो वीडियो सिग्नल, ये तब चलेगा जब आपका कैमरा पीछे कनेक्ट होगा। जो रिवर्स से जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है, ठीक है, और जो यहाँ से आप कैमरा चलाते हैं उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसको भी साइड करते हैं। ट्यूनर के अंदर वही सी करता रहेगा, मैंने एंटीना कनेक्ट नहीं करा हुआ, बट इसके अंदर सम सेटिंग दी हुई है, ज़ैप का है, PTY है, वही ऑप्शन अबाउट का आ जाएगा यहाँ, सेटिंग वगैरह इसको छोड़ दो।
मेन सेटिंग में आएंगे USB. So, अलन वाकर का ये फेवरेट सॉन्ग लगा रहा हूँ. तो यहाँ आते हैं हमारे फाइव बैंड्स, आई थिंक फाइव है और सिक्स है, ठीक है, आवाज करता कम. तो ये आ गया कस्टम मोड, बॉलीवुड ऑफ, ये नॉर्मल, आर एंड बी, पॉप, रॉक, हिप हॉप, डांस, कस्टम. कस्टम के अंदर क्या है, प्लस 10 पे हाई करा हुआ है, मिड पे 0 है, लो में 10 है. तो इसको स्कोर घटाओगे बास लेवल आपका बढ़ जाएगा. बैलेंस एंड फेडर फ्रंट में ज़्यादा करा हुआ है, ज़्यादा ही रखता हूँ मैं बास के कारण. स्टीरियो के बास लेवल बिल्कुल 0 है. जब भी अगर मैं इसमें बेस चलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को ये प्लस 10 पे ही रखना पड़ता है, और बड़ी ज़बरदस्त बेस देता है. तो ये लोग कहते हैं बास देता ही नहीं, देता ही नहीं, देता ही नहीं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेस लेवल इसका पूरा है. बट डिपेंड करता है आप क्या आउटपुट इससे लेना चाह रहे हो और क्या इनपुट अपने एम्पलीफायर की एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एम्पलीफायर के अंदर भी दम होना चाहिए भी आप क्या देना चाह रहे हो. डन. तो हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, मैं फ़र्क दिखाता हूँ. अभी इसको मैं यहाँ से करूँगा बिल्कुल एट पे, ए डबल डी. बैलेंस को करेंगे हम यहाँ फ्रंट में. तो अभी स्पीकर्स में भी मैंने सेटिंग करी है बास लेवल की. आपके एम्पलीफायर में एक ऑप्शन होता है ऑफ, LPF एंड HPF, ठीक है. तो आपने इसको LPF प्लस HPF पे रखना है, जिसपे बेस भी और स्पीकर्स के अंदर आवाज भी. तो मैंने वही करा है. नाउ बैलेंस में आपने यहाँ 0 रखना है, मेरा अभी 1 है, और HPF यहाँ से बंद कर दो. देन आपको सुनने को आपको मिलेगा. अब आवाज हियर करिए. दोस्तों ये थे इसके कुछ फीचर्स. थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, ये एक रिपीट का ऑप्शन है, सॉरी ये शफल है. शफल का मतलब एक गाना यहाँ से उठाएगा, सेकंड कहीं और से उठा लेगा सेलेक्ट करने के बाद किसी फोल्डर से. तो ये मैंने करके बंद, मेरे को लगता है बेकार. रिपीट ट्रैक 1 एल्बम ऑल, ऑल पे रखना तो एक गाने के बाद एक ऑटोमेटिक चलता रहेगा, रिपीट नहीं होगा. इन्फो ओपन, ये डांग गाना है, आर्टिस्ट मन कीरत ओलक, एल्बम डांग, MrJet.com से डाउनलोड हुआ है. तो 12:47 हो चुके हैं, आई मीन 13:53 की ये वीडियो बन चुकी है. तो इसी के साथ साथ अभी और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से डायरेक्ट आप मोड चेंज कर सकते हैं इसको प्रेस करके सिंगल प्रेस पे. तो अभी हम इसमें जाएंगे ऑक्स पे. तो यहाँ पे अभी हम ऑक्स
पे मैं खत्म, और अभी टाइम मैं देख के बताता हूँ 12:52 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है मेरी ये आएगी रात को, तो होप करता हूँ आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ कमेंट भी करेंगे। और हाँ, किसी फ्रेंड को अगर यार पता हो ना, अगर इसका फर्मवेयर अपडेट हो चुका है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना भी कैसे करूँ और ये कहाँ पर होगा, फर्मवेयर अपडेट करने के बाद कोई इशू तो नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो लोग कहते हैं ना कि स्टीरियो हैंग बहुत जल्दी होता है डबल डिन, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी 1% भी हैंग की प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी। तो आप इस चीज़ के लिए तो मन में से बिल्कुल भी निकाल दो कि आपका स्टीरियो हैंग होने वाला है या आपने 10,000 से ऊपर कॉस्ट खर्च करी है तो आपका स्टीरियो, वो पैसे बेकार हो गए, नहीं, 1% भी हैंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं थोड़े दिनों बाद दोबारा एक वीडियो के साथ, और उसमें भी हम दिखाएंगे एक इन्फिनिटी का प्राइमस मॉडल जो कि 1004 एम्पलीफायर के ऊपर कैसे बूम करता है, कैसे शेक करता है। थैंक यू।